संसद सत्र के बीच पीएम मोदी के स्पीच के दौरान आज उनकी कई गलतियां देखने को मिली। इस बीच उनकी कई बार जुबान फिसली, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाया जा रहा है। अब हमारा मुकाबला बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था। वायरल हो रहे इन वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी काफी हड़बड़ाहट में दिख रहे हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय लगातार अपने भाषणों से बीजेपी को घेर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर पीएम मोदी को तगड़ा आईना दिखाया था। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है और ना ही बीजेपी पूरा हिंदू समाज है। ठीक इसी कड़ी में आज बाबा साहब अंबेडकर पर बोलते हुए पीएम मोदी की ऐसी जुबान लड़खड़ा गई, जो अब सोशल मीडिया पर उनके मजाक का कारण बन गई है। ठीक इसी कड़ी में उनका एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो मुकाबले को मुंह काला बोल जाते हैं। इन दोनों वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने पीएम मोदी का यह वीडियो साझा करते हुए कहा, पीएम मोदी कहते हैं हमने पिछले 10 साल में जो स्पीड पकड़ी है, हमारा मुंह काला। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राघवजी नायक ने कहा, अभी तक सुनते आए थे कि झूठों का मुंह काला होता है, आज मोदी जी ने खुद ही मान लिया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर का ये अपमान शर्मनाक है। वहीं अब संसद सत्र के बीच पीएम मोदी के ऐसे भाषणों को लेकर सवाल उठता है कि पीएम मोदी की यह जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम उन्हें जिम्मेदारी से लेना चाहिए, ना कि उसे कुछ और ही बोल दिया जाए। फिलहाल दोस्तों, आप पीएम मोदी के इन वीडियोस को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और ज़्यादा ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए टारगेट न्यूज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।